प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल ने स्कूलों की गतिविधियों को लेकर हमीरपुर उपायुक्त के साथ बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की है। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कोरोना बीमारी की वजह से प्रभावित हुए स्कूलों की स्थिति को लेकर वार्ता की और आगामी दिनों में कैसे काम किया जाए इसके लिए रूपरेखा तैयार की है। बैठक में स्कूलों में फीस लेने को लेकर हो रही कन्फ्यूजन पर भी चर्चा की गई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव राजेश ठाकुर ने बताया कि निजी स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान फीस न लेने और एडमिशन फीस न लेने की बात को माना है और अब अनलॉकडाउन चल रहा है ताकि इसके लिए आगामी कार्यवाही कैसे की जाए इसके लिए उपायुक्त से बातचीत करके इस मसले पर हल निकालने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। राजेश ठाकुर ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेज तो चल रही हैं लेकिन स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाई है, इसलिए सरकार से मांग की गई है कि सरकार एक तिथि घोषित करे ताकि स्कूलों में बच्चे भी एडमिशन तय सीमा तक कर सकें और अभिभावकों को भी इससे राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के एप्स में अध्यापक भी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए सरकार जल्द इस बाबत फैसला ले ताकि अध्यापकों का भी रोजगार बहाल रहे। हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक डेपुटेशन जिलाधीश महोदय से मिला है और कहीं डिपार्टमेंटल जो कन्फ्यूजन थी, चाहे वो एडमिशन के ऑर्डर में चाहे फीस कलेक्शन के ऑर्डर में, उसके तहत हमने डीसी महोदय से बातचीत की और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा। जहां तक हमारी फीस कलेक्शन की बात थी, सरकार के जो दिशा निर्देश थे वो क्लियर जैसे नहीं पेरेंट्स को आए, बीच बीच में वो चेंज होते रहे जिसकी वजह से कन्फ्यूजन चल रही है और लगभग 20 से 25% या 30% पेरेंट्स ने अभी तक फीस जमा करवाई है। जहाँ तक बात है बस फेयर की, एडमिशन फीस की या अन्य चार्जेज की, वो लॉकडाउन पीरियड में नहीं लेने की बात कही गई थी, जो स्कूल उस बात को सरकार की मान रहे हैं। लेकिन अब अनलॉक वन जैसे कि चल रहा है तो इसमें क्या सरकार के नए निर्देश हैं स्कूलों के लिए, इस बात पे हमने चर्चा की। और जो हमारी रिकॉग्निशन जो एलिमेंट्री की आती है वो सेशन स्टार्ट होने से पहले आनी चाहिए, लगभग एक महीना पहले आनी चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट का थोड़ा सा ढीलमुल रवैये के कारण सेशन शुरू होने के भी 6-6 महीने के बाद वो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट हमें आता है। उसमें भी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए हमने डीसी महोदय से रिक्वेस्ट की और इन्होंने जो हमारा ज्ञापन है वो आगे फॉरवर्ड किया डायरेक्टर ऑफिस में। और ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, जैसे कि हमारा ये कहना था कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले बच्चे हैं, वो तो काफ़ी बच्चे वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, 40-50 बच्चे भी ऑनलाइन क्लास से एक क्लास के बच्चे ले रहे हैं, लेकिन उनकी इनरोलमेंट स्कूल में नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, उनकी एडमिशन नहीं हुई है। तो स्कूल को ये कन्फर्म नहीं है कि जब स्कूल लगेंगे तो ये बच्चे क्या हमारे स्कूल में एडमिशन लेंगे, ये भी थोड़ा सा क्लियर अगर सरकार आदेश कर दे, एक डेडलाइन घोषित कर दे कि इतनी तारीख तक एडमिशन क्लोज करें और सारे प्राइवेट स्कूल अपनी एडमिशन कवर कर लें, तो शायद ये सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। के माध्यम से या सरकार के जो आदेश हैं वो क्लियर जैसे लोगों तक पहुंचे और अभिभावक भी इस बात को समझ रहे हैं कि फीस हमें देनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना इकट्ठा बर्डन पड़ रहा है हमारे ऊपर तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके दे दें, ताकि जो टीचर हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उन टीचर्स की भी जो सेवाएँ हैं बराबर मिलती रहें और उनके जो रोज़गार है उसके ऊपर भी तलवार न लटके। बेही उपायुक्त हरकेश मीणा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ शिक्षा व उससे संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा की गई और जो परेशानियां आ रही हैं उसके बारे में शिमला निदेशालय से बात की जाएगी। बेही ऑनलाइन स्टडीज के मुद्दों पर कहा कि हर स्कूल अपनी तरफ से ऑनलाइन शिक्षा दिलवा रहा है और कहीं कोई बाधा आ रही है तो उसको दूर करने पर विचार किया जा रहा है। ये डिफरेंट चीजों को लेके था, हम लोग भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू करते रहते हैं कि उनका डिफरेंट चीज़ें थी कि किस तरह से फी को लेके है या इनके जो एडमिशन्स को लेके है या ऑनलाइन कोचिंग को लेके इशू है या स्टाफ को बुलाने को इशू को लेके हैं। इन चीज़ों को लेके एक फॉर्मल एक मीटिंग हुई है और मैंने भी पिछले हफ्ते डिप्टी डायरेक्टर के साथ मीटिंग की थी, क्या किस तरह से गवर्नमेंट के डायरेक्शन है, उनके कंप्लायंस किस तरह से है, तो एक जनरल रिव्यू था पिछले हफ्ते। और अब जो इनको प्राइवेट स्कूल्स हैं या इनको जो डिफरेंट स्कूल्स हैं इनके क्या इश्यूज हैं और पेरेंट्स की तरफ से या कुछ बच्चों की तरफ से क्या इश्यूज हैं उनको लेके डिस्कशन रखा गया था, तो इनकी चीज़ों को हमने नोट किया है और पेरेंट्स की तरफ से भी हमारे डिफरेंट टाइम पे चीज़ें आती रहती हैं, तो किस तरह से हम इसका वे आउट निकाल सकते हैं उसको लेके मैं एक थोड़ा रिव्यू मीटिंग कर रहा हूँ डिपार्टमेंट के साथ, तो उसके रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया था। ऑनलाइन स्टडीज को ऐसे नहीं है क्योंकि शुरू में कई इंस्टीट्यूशन से स्कूल के लिए फर्स्ट टाइम अनुभव था,
तो उनके अपने टीचर कर रहे हैं, बीच में ब्रेक भी आया है, और उस चीज़ में लेके किस तरीके से है, कई पेरेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स का और पेरेंट्स का एक अपना अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं, उनको भी हम लिसन करते हैं। तो अभी ऐसे प्रॉब्लम वाला कुछ आ नहीं रहा, कई जगह पे रिसोर्सेज और डिफरेंट चीज़ों को लेके हो सकता है, बट स्कूल्स अपनी तरफ से जो प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से, मतलब दे आर डूइंग देयर होमवर्क और उसमें काम कर रहे हैं।